दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वॉलेट न्यूज़ के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के पंजीयन के या फसल पंजीयन के नियम में बदलाव किया है। तो क्या पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन दबाए जिससे आपको इसे अपडेट वॉलेट न्यूज़ मिलते रहे। तो अपडेट न्यूज़ आपको निकल कर आ रही है नई दुनिया से। मध्य प्रदेश से जन आशीर्वाद यात्रा में मिली शिकायत के आधार पर सीएम ने बदलवाए किसानों के पंजीयन के नियम। दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन आशीर्वाद यात्रा और अन्य माध्यमों से खरीफ फसलों के बेचने के लिए पंजीयन कराने में आ रही दिक्कतों के कारण सरकार ने शुक्रवार को नियमों में बदलाव कर दिया है। अब जमीन का संयुक्त खाता होने पर सभी खातेदारों की पंजीयन केंद्र में मौजूदगी या शपथ पत्र देना जरूरी नहीं होगा। किसी एक सदस्य के आवेदन पर भी पंजीयन हो जाएगा। किसान को खसरा, वन अधिकारी पट्टा या राजस्व विभाग का प्रमाणीकरण नहीं मांगा जाएगा। किसी एक सुप्रमाणिक दस्तावेज देने पर भी पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन की अंतिम तारीख भी 11 से बढ़ाकर 20 सितंबर तक कर दी गई है। प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड 130 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी है और 2018-19 खरीफ सीजन में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मक्का सहित अन्य फसलों की बिक्री के लिए पंजीयन करा रही है। ये 11 सितंबर तक होना था। पंजीयन के लिए जो प्रावधान खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने तय किए थे वो अव्यवहारिक थे। चुनावी वर्ष में जटिल पंजीयन की व्यवस्था से किसानों में असंतोष होने की आशंका से ही इसको लेकर मुख्यमंत्री को जन आशीर्वाद यात्रा सहित अन्य माध्यमों से शिकायतें मिली थी। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को टीकमगढ़ दौरे से लौटते हुए स्टेट हैंगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पंजीयन की प्रक्रिया को लेकर मिल रहे फीडबैक को साझा करते हुए इससे बदलाव के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि किसी को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलने के बाद शुक्रवार शाम 6 बजे प्रावधानों में संशोधन करते हुए सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए। इसमें साफ किया गया है कि पंजीयन के लिए भू अधिकार ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता नहीं होगी। किसान का एक बैंक खाता देना ही पर्याप्त होगा, इनसे दूसरा बैंक खाता नहीं लिया जाएगा। पंजीयन अब 20 सितंबर तक सुबह 7 से रात 9 बजे तक होगा। यह समय पहले सुबह 9 से शाम 5 बजे तक था। पंजीयन के लिए 1700 पंजीयन केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। कृषि विभाग ने भी सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, कपास, मील, रामतिल फसल के पंजीयन के लिए खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश के हिसाब से कार्रवाई करने के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए। दोस्तों था आपके लिए लेटेस्ट अपडेट न्यूज अलर्ट, यह था किसान समाचार। किसानों के लिए जिनके लिए पंजीयन समर्थन मूल्य की पंजीयन तारीख बढ़ा दी गई है अच्छी खबर है, और साथ ही नियमों में संशोधन किया गया है जो किसानों के लिए अच्छी खबर है। वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर करें ताकि सभी किसान भाई जान सके उनकी यह काम की खबर। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।